आप हाँ लोग सो दिस इज ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर एनालिसिस आई नो है ट्वेंटी एथ अक्टूबर बट वो एक घंटे में ही अपलोड हो जाएगा देर वॉज अ एरर इन द वीडियो सो इट हैज़ नॉट बीन अपलोडेड सो वी आर हेयर विद ट्वेंटी नाइन्थ ऑक्टूबर एनालिसिस ठीक है तो पहला आर्टिकल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड ठीक है तो हमने मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड uh, प्ले लिस्ट में एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कवर की हुई है ठीक है कोपो कर रखी है एस्टिमेट कमेटी कवर कर रखी है ठीक है पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कवर कर रखी है पर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में है ठीक है तो भाई एक डाटा प्रोटेक्शन बिल पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी जिसने बोला कि जो ट्विटर को बोला कि तुमने चाइना का तुमने लद्दाख को चाइना का पार्ट कैसे डिक्लेयर कर रखा है ठीक है उसको समन किया गया ठीक है तो वही नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करता है एंड अगर तुम गलत करोगे मतलब इंडियन मैप को तो ऑफेंस ऑफ ट्रिएजन एंड अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट ऑफ़ सेवन इयर्स ठीक है तो फाइन एंड सेवन इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बैठी बिठाई जाती है भाई कोई भी पर्टिकुलर बिल है ठीक है फार्म बिल हो गया कोई और लेबर लब मानो लेबर कोड बनाया जाए कुछ भी उनको रेफर किया जाए उसके लिए बैठती है प्रेजेंटेड एग्जामिना पार्टिकुलर बिल जो पार्लियामेंट के बिफोर प्रेजेंट किया जाएगा और फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग केसेज ऑफ फाइनेंशियल इन इरेगुलरिटीज इन एनी गवर्नमेंट बॉडी ये तो एडहॉक बॉडी होती है मतलब परमानेंट नहीं होती डिसबैंड हो जाती है जैसे ही इसका टाइम खत्म होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठती है एंड एक स्पेसिफिक इश्यू को एड्रेस करती है ठीक है इससे क्या होता है मोशन इज पास बाय नाउस मानो लोकसभा कह रही है हमें बिठानी है तो वो पास करिए दूसरे हाउस को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा एंड कमेटी मेंबर्स कौन पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है एंड मेंबर्स वैरी करते हैं पर ये इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम देखते हैं बाईस मेंबर्स हैं ठीक है पंद्रह और सात ठीक है जो एस्टिमेट कमेटीज होती हैं कोपो होती है ठीक है थीके? तो एस्टिमेट कमेटीज में तो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं बट बाकी दोनों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं ट्वेंटी टू मेंबर्स होते हैं जिसमें लोकसभा के फिफ्टीन एंड सेवेंटीन ऑफ राज्यसभा होते हैं पर जेपीसी में क्या होता है देर आर ट्वाइस एज मेनी एज लोकसभा मेंबर्स एज राज्यसभा ठीक है मान लो अगर राज्यसभा के दस मेंबर्स होंगे ना तो लोकसभा के बीस होंगे ठीक है देर आर ट्वाइस मेंबर्स तो ये कंपल्सरीली होता है ठीक है पे डबल नहीं होते ना ना है न, तो बट इनमें जेपीसी में डबल होता है पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती है अब देखो जैसे इलेक्शन का ये जो एस्टिमेट कमेटी वगैरह है ये तो एक साल के लिए इलेक्ट होती है है ना और फिर वापस से इनको दोबारा से इसमें बंदे री इलेक्ट होते हैं पर इनका क्या होता है ये परमानेंट तरीके की बॉडी नहीं होती ये डिस्पैंड हो जाती है अगर मान लो डाटा प्रोटेक्शन के लिए चाहिए कल को हमें फार्म लॉस के लिए चाहिए फार्म बिल के लिए चाहिए तो वो अलग से कमेटी बिठा दी जाएगी ठीक है तो ये परमानेंट नेचर की नहीं होती दे आर ऑथोराइज टू कलेक्ट एविडेंस इन ओरल या रि रिटर्न फॉर्म या डिमांड कर लो डॉक्यूमेंट्स इन कनेक्शन विद दैट मैटर एंड प्रोसीडिंग्स कमेटी की कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है

देन एसर सर्वे के बारे में है ये ठीक है तो ये आ, हर साल अपना ही आ, निकालते हैं एसर सर्वे क्या है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट तो ये एनजीओ प्रथम है वो निकालता है आप इसको कोट कर सकते हैं काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है ठीक है बहुत मतलब आप कोट करोगे तो ज़्यादा बेहतर आपका आंसर होगा इट प्रोवाइड्स अ ग्लिप्स ग्लिम्स इन टू लेवल्स ऑफ लर्निंग लॉस्ट दैट स्टूडेंट्स इन रूरल इंडिया सफ़र कर रहे हैं मेनली ड्यू टू कोविड एंड क्योंकि अभी हमने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा रोपिन किया तो टेक्नोलॉजी की यूसेज की वजह से स्कूल एंड फैमिली रिसोर्सेज एंड जो डिजिटल डिवाइड है उस

है टेक्स, टेक्स्ट बुक एंड लगभग नाइंटी एट परसेंट के आसपास वेस्ट बंगाल में लोगों के पास टेक्स, टेक्स्ट बुक थी ठीक है तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है ठीक है इन द वीक ऑफ सर्वे अबाउट वन इन द थ्री रूरल चिल्ड्रन हैड नो लर्निंग एक हफ्ते में ठीक है एक बार तीन में से एक बच्चे ने तो कोई काम ही नहीं किया कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं कैखे गह गेड़े नहीं याद किया अबाउट टू इन द थ्री हैड नो लर्निंग मटीरियल और एक्टिविटी गिवन बाय देयर स्कूल दैट वीक ठीक है दो में से तीन ने कोई भी काम नहीं किया नन कोई लर्निंग एक्टिविटी जो स्कूल द्वारा दी गई थी वो की रही एंड वन इन द टेन हैड एक्सेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस ठीक है तो सिर्फ एक की दस में से एक बंदे के पास ही ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस था ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज टू हैव नॉट इन द स्कूल दिस ईयर ठीक है तो पहले सिर्फ आ, मतलब नहीं इन करते थे पर इस बार वो बढ़ के तीन परसेंट हो गया लोगों ने इनरोल नहीं कराया एंड एक शिफ्ट हुआ गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाए ड्यू टू द जॉब लॉसिज एंड इसीलिए स्लाइट शिफ्ट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ तो ये इसने फाइंड किया गया देन इज अबाउट आई टी मिनिस्ट्री वर्किंग टू कंप्लाई विद सी आई सी ऑर्डर्स ऑन आरग्य सितो तो भाई सीआईसी क्या है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ठीक है उन्होंने तो ये आरोग्य सेतु ऐप है वो पता ही आपको कोविड के लिए आपको बताएगा ये सिम्टम्स आप सिम्टम्स हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो तो ये एंड्रॉयड और आईओएस ऐप है ठीक है तो लॉन्च किसने की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से की गई थी ठीक है किसने आई मिनिस्ट्री ने एन एन ने बनाया था ठीक है इसको एंड उनको सी ने बोला कि भाई ये बताओ कि आ, मतलब किसी ने आर डाली कि भाई कैसे क्रिएशन कैसे किया आपने आरोग्य सेतु किया वो बोलते हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सी आई सी मजाक

आपको मतलब इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करेंगे पर अगर आप इनकी इन्फॉर्मेशन से नहीं हो ना तो आप सीआईसी या स्टेट इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट को सबमिट करेगी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट ठीक है नॉट टू पार्लियामेंट बट टू द गवर्नमेंट दैन इज अबाउट गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स ग्रीन फायर क्रैकर्स तो वही बात है कि डेली गवर्नमेंट ने एंटी फायर क्रैकर के लिए हर बार हर साल करते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स लेके आए ठीक है पिछले साल से ही उन्होंने बैन लगा दिया था फायरवर्क्स में एंड 2019 में पिछले साल वो ग्रीन क्रैकर्स लेके आए इस बार बोले हैं कि भाई सारे ही ग्रीन क्रैकर्स होने चाहिए क्योंकि ये केमिकल फॉर्मुलेशन ऐसी होती है जो वाटर मॉलिक्यूल पैदा करता है तो इसे क्या होता है डस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं दे आर क्रैकर्स विद रिड्यूसड एमिशन एंड डेस्िबल लेवल्स मतलब डेसिबल मतलब नॉइस की मेजरमेंट uh, है नॉइस लेवल्स भी कम होंगे एमिशन भी कम होंगे और थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा तो जिससे वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर ठीक है तो पार्टिकुलेट सल्फर ऑक्साइड एंड बाई थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट यह प्रॉमिस करता है, चीपर भी होगा एंड मैनुफैक्चर uh, uh, को फायदा भी होगा कलर किसकी वजह से आता है नाइट्रेट्स कार्बोनेट्स एंड स्ट्रॉनशियम की वजह से ये सारे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में आप छोटे होते देखते थे कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड कैल्शियम नाइट्रेट्स ऑक्सीड्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट्स कार्बोनेट्स ऑफ बेरियम ठीक है बेरियम की वजह से आता है कॉपर ब्लू तो कॉपर की वजह से आता है हम आ, टेस्ट करते होते हैं ना पर्पल किसकी वजह से स्ट्रॉनशियम व्हाइट किसकी वजह से एलुमिनियम मैग्नीशियम की वजह से आता है ठीक है देन वाटर ऑन मून तो भाई हमने हम पहले क्या पढ़ते थे कि जो आ, मतलब एक तो मून की सन फेसिंग साइड है एक मून की ऑपोजिट फेसिंग साइड है हम क्या पढ़ते थे कि ऑपोजिट फेसिंग साइड पे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फ्रीजिंग फॉर्म पाया गया पर इस बार हमने क्या देखा कि वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड इन क्लेवियस क्रेटर ठीक है तो ये क्रेटर है मतलब गड्ढा है जिसमें हमने पानी पाया गया इन द मून सदर्न हेमोस्फियर तो सदर्न हेमोस्फियर में इधर पाया गया एंड द फर्स्ट टाइम की सन लिट साइड पर पाया गया ठीक है सूरज को फेस करने वाली साइड पर पाया गया तो ये बता रहा है कि सिर्फ शेडोई रीजन में वहां पर पानी नहीं है जो नासा की सोफिया ऑब्जर्वेटरी है स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी उसने फाइंड किया है ठीक है तो ये बता रहा है तो हमें अर्थ से कैरी करने जाना पड़ता है अगर वहीं पर मिल जाएगा तो फिर बार बार अर्थ के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे ये फायदा हो जाएगा हाउ कुड है क्या हो सकता है कि भाई जो स्पेस रॉक्स है घूमते रहते हैं एस्ट्रॉइड वगैरह है जिसमें पानी होगा थोड़ा बहुत मून पे बॉम्बार्ड किया होगा

तो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर हमने पता लग लिया था तो 2009 दो हजार नौ में दून मिनर uh, इंस्ट्रूमेंट अब चंद्रयान जिसमें चंद्रयान में ये इंस्ट्रूमेंट था उसने पोलर में पानी पाया गया था तो सोफिया भाई अब क्या देखेगी चलो पानी तो मिल गया अब ये पता करेगी प्रोड्यूस कैसे होता है हो, हो सकता है स्टोर कैसे कर सकते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं नासा का जो वाइपर है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर ठीक है रोवर क्या होती है चार पहियों की गाड़ी पोल्स को एक्सप्लोर करने वाली गाड़ी विल कैरी आउट मिशन टू क्रिएट फर्स्ट वाटर रिसोर्स मैप ऑन द मून की भाई मैप क्रिएट करेगी जैसे एटलिस में होता है कि कहाँ कहाँ पानी एग्जिस्ट करता है देन इज अबाउट फैक्ट फॉर प्रम्स यू के टू पार्टनर फॉर द डेवलपिंग गिफ्ट सिटी ठीक है तो गिफ्ट सिटी का है भाई गांधीनगर में है गुजरात में ठीक है गिफ्ट का क्या है कि आ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जैसे कि लंडन हो गया सिंगापुर हो गया ये हब्स है फाइनेंस हब्स है अब क्यों है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ईजिल हो पा ठीक है, है यहाँ पे कुछ सरकार कुछ नॉर्म्स रिलैक्स कर देती है तो उसी तरीके से हम सोच रहे थे कि इंडिया को भी उस लेवल पर लेके जाए तो एक हमें एक जगह हब बनाना पड़ेगा तो वो गुजरात में गांधीनगर में बनाया है ठीक है तो ये यूके ने क्या एग्री कर लिया न्यू फंड ऑफ फंड टू बी मैनेज बाई एस बी आई इन ऑर्डर टू रूट द यू केज फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया तो यूके हमारे अंदर आ, इन्वेस्ट करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करेगा पैसा तो उसके लिए पहले फंड बनाया गया फंड ऑफ फंड ठीक है तो एक फंड ऑफ फंड होता है जिसमें से डॉटर फंड्स होते हैं और वो डॉटर फंड्स कहीं कहीं जाके फिर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एस ग्रुप के अंडर इसको बनाया जाएगा ठीक है तो गिफ्ट इज द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वो मैं आपको बता चुकी हूँ देन इज अबाउट नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क तो ये नीति आयोग क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया हैउंसिल ऑफ इंडिया क्या है सोसाइटीज uh, एक ऑटोनोमस बॉडीज है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत uh, रजिस्टर किया गया है एटीन सिक्सटी के तहत एंड बेसिकली uh, क्या करता है कि ये जैसे कि आई एस ओ मार्क हो गया ठीक है जो कुकर वगैरह में मार्क है बेसिकली ये मार्किंग करता है ठीक है क्वालिटी सरटेन करता है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क तो ये फ्रेमवर्क एनविसाज करेगा व्रेड

िटी से रिलेटेड है तो ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इसकी कहीं इंप्लीमेंटेशन आगे आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन डोंट वरी जस्ट ट्वेंटी का एनालिसिस इन आर्स आई अपलोड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग